पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी साहब अज जैतो के दौरे पर ने। इस वक्त की गल करिए सुबह सवेरे का प्रोग्राम से उन्होंने, उस तो बाद तमाम जो प्रोग्राम हो रहे हैं उत्थे किसानों वालों उन्होंने कड़ा विरोध किया जा रहा है। इतने इस वक्त तुम ये होस्पिटल हैगा जैतो का सिविल होस्पिटल जिथे कि उन्होंने आना सीगा, पर उन्होंने आने तो पहले ही किसानों ने गेट पर कब्जा कर लिया है। तुम वेख सकते हो किसान इतने बैठ गए हैं, जोरदार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये सिविल होस्पिटल हैगा जैतो का जिथे कि किसान बैठे हुए हैं, तो पुलिस अधिकारी जो ने गलबात करने की उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किसी तरीके इन्हों गलबात करके विचाले का रस्ता कढ़िया जा सके। भाजी क्यों बैठे दिन नौबत आ गई गेट के बच्चे इतने प्रोग्राम साडा जी नरमा जिहड़ा किसानों का मरिया सुंडी का मुआवजा नहीं दिता। पहले असं बादल बैठे रहे हैं, उदों भी नहीं दिता, लारेबाजी तो बिना इन्होंने कुछ नहीं गा, तां करके बैठे हैं। चन्नी साहब तो बड़ी गलबात करते हैं कि असं सरहद हित से है, कुछ नहीं जी, कल्लियां गल्लां ही हैं, होर इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। अज दा हुण किस तरीके दा प्रोग्राम हैगा तुहाडा? अज दा ही साडा, असीं तां सवाल ही पुछणे आ वी साडा मुआवजा क्यों नहीं दिंदे, बस ही नहीं है। होस्पिटल आना सी उहनां दे गेट दे विच तुसीं बैठ गए हो, उह तां जी प्रधान अगिआं नूं पुछणा। तां वेख सकदे हो गेट दे विच इत्थे किसान वीर जो ने उह बैठ गए ने, अते दूजे पासे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी ने वो गलबात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके इन्हों गलबात की जा सके, कोई विचाले का रस्ता जोड़ा है वो कढ़िया जा सके। तस्वीर तुम जैतो दियाँ वेख रहे हो जिथे कि इस वक्त पुलिस नाल इतने गलबात करते हुए तो ये अधिकारी ये जो किसान ने ये दिखाई देंगे। तस्वीर तुम जैतो दियाँ वेख रहे हो इस वक्त जो ये होस्पिटल हैगा जैतो का जितों तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, अते इत्थे किसान जो ने रस्ते दे विच ही बैठ गए ने अते विरोध जताया जा रहा है। डिप्टी सीएम जो आए ने इत्थे उन्हां दे नाल, भाई जी किहड़ियां गल्लां ने जिन्हां नूं लैके अज इत्थे बैठना पै गया तुहानूं दुआर तों? ये जी असीं 15 दिन तां पहलां मनप्रीत बादल दे बार मूहरे भारती किसान यूनियन एकता ग्राहां नरमे दे मुआवजे खातर बैठी सी। उस तों बाद 5 दिन सैकटरीएट घेरिया, कांग्रेस का कोई वड्डा मंत्री या किसी ने किसी की बात नहीं पूछी। उस तो बाद सूबे कमेटी के अगले लाने के मुताबिक असं अजे विरोध कर रहे हैं। ओपी सोनी साहब पहुंचे हुए ने, होस्पिटल आना सी गेट के बैठ गए हो, हुण की लग्या कुछ पता क्या रहेगा? जो आगू करनगे असं उन्होंने नाल ही हाँ, जिदा कहणगे असं उसे पुर चढ़ा देना। हाँ जी बिल्कुल, हाल की घड़ी गल करिए गलबात इतने किसानों के विचकार जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने उन्होंने विचकार चल रही है, कोई विचाले का रस्ता निकालने की कोशिश इतने कर रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम साहब आए हुए हैं, उन्होंने विरोध जताने लिए किसान इतने इकट्ठा ने। इस तो पहले गलबात करिए पिछे भी काली झंडियां किसानों वालों उन्होंने दिखाई गई, इतने मुड़ तो जो होस्पिटल का गेट है वो रोक के किसान बैठ गए हैं, विरोध जताया जा रहा है। डिप्टी सीएम साहब दे इत्थे आके उन्हां दा जो है विरोध प्रदर्शन इत्थे किए जा रहे हैं। ये होस्पिटल हैगा सिविल होस्पिटल जिथे कि उन्होंने आना सीगा, अंदर काफ़ी वड्डी गिनती होर लोगों की हैगी, बाहरले पासे गेट के किसान वीर जो ने वो बैठे हुए ने डट के, इत्थे ओपी सोनी नूं विरोध का सामना करना पै रहा है। तो इत्थे ओपी सोनी के काफले नूं कालियां झंडियां विखाइया गईयां ने, वेख सकदे सामने किसान यूनियन के नुमाइंदे जो ने वो मौजूद ने, गलबात इन्हां दे नाल करांगे आखिरकार किहड़ी किहड़ी मंगा सी, किस गल नूं लैके इन्हां दा अज दा इत्थे ये प्रोटेस्ट सीगा। भाई जी क्यों इकट्ठा होया? भाई जी काले कानून रद्द कराने वास्ते, एमएलसी दा रेट लैने वास्ते, डीएपी नहीं मिलनी रहेगी उहदे वास्ते, मंडियां जिहड़ियां जल्दी बंद करियां लोकां झोना वाले घरां दे विच पिआ, पर सरकारां ने मंडियां बंद करतियां गईआं। मैं सरदूल सिंह कासम भट्टी, जिला जनरल सकत्तर किरती किसान यूनियन फरीदकोट। अज का जो साडा यह विरोध आ, लोग जिन्ना मोदी सरकार नूं इन्हां काले कानूनां लियाउण च दोषी मानदे आ, उन्ना ही कांग्रेस सरकार भी दोषी आ, क्योंकि मोदी सरकार ने जिहड़ा है इन्हां कानूनां नूं लागू किया, पर इन्हां काले कानूनां दा मुढ कांग्रेस ने मनमोहन सिंह वेले दस्तखत करके जिहड़ा WTO ते उदों मुढ बन्निआ, इस करके असीं जिहड़ा इह कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी सर, ठीक है नी, बाकी कहो उतनी बाकी तो कर लो गल की। हुण कोई अफसर नूं मिलन दी कोशिश कीती किसे नूं? किसे नूं मिलने की कोशिश नहीं की जी, उन्होंने राह चेंज कर लिया, किसानों का हर देख के राह चेंज किया होया, उन्होंने सानू भड़काया, इधर अं आए हैं वो उत्थे खड़े से, उधरों चल के असीं इतले पासे आ गए, विरोध करने की खातर आए हैं। तो बिल्कुल ये किसान ने जो कि विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, विरोध करते हैं जिहड़ा भी यह कानून आ काले किसानों के विरुद्ध लिया, कांग्रेस सरकार ने लिया सब तो पहला,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ, 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 21 ਵਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ, ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਗਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚਨਪਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।